मेरा बेटा राम किशन रे, उनके दो बेटे सोनिया बाबिया, इन तीनों का दादा मैं, इन तीनों का दादा मैं। भाभी बड़ी गर्मी लगती बे, भाभी पानी ला लेगा बैताल भाभी। ओह नो, तेरा सत्यानाश हो रे बकरा, बैताल बोलेगा मेरे को रे। ओह नो, तू पानी क्यों नहीं लाती, कब से लाई थी? शर्म लिया छाई के नहीं, कुछ भी बोलते हो रे भाभी को रे। देखो इतनी गर्मी से आया हूँ मैं, हैं इतनी मेहनत करता हूँ, खेती तोप कर लिया क्या? तोप कर लिया, घर में पैसा ला ला के गड्डी दे रहा है क्या? तो तेरे लिए आयता ला के दूं मैं, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। तो तेरे पति को बोलना, मेरे को बोलती है अभी तो भैया अरे नालायक। ओह नो, हाँ नहीं तो मैं अकेला करूँ क्या खेत का? अरे बाप, बेजा करता है नहीं, अरे बिल्कुल दौड़ दौड़ के करता है, छैखंडी का खेत तू ही कर रहा है, छैकुड़ो का काय। हाँ सही बोल रही भाभी तू, मैं पूरा करता हूँ घर का। तो लगता है ऐसा हुद्दा मारू ना तो एक दांत पहले टूट गया दूसरा भी टूट जाएगा तेरा, समझ रहे ना? तू भी बौराते रहती है। क्या बौराते रहती है? तो वो दोनों कहाँ गए लगा? इज्जत से तो बोल लेता पहले कि भाभी प्यास लगी तू ला तो जल्दी पानी। तो चिल्ला तो रहा था, कब का आके बैठा हूँ। एक गिलास नहीं, एक गुंडी ला के तेरे पर डाल देती, ऐसी गर्मी थी तेरे को। वो दोनों कहाँ गए? मेरे को क्या मालूम कहाँ कहाँ घूमते रहे दोनों, साथ में निकले हैं रे। अब मैं उनको समझा दूंगा, भैया मैं मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ सेठ, सेठ है तू यहाँ का, तेरे हिसाब से चलेंगे तो समझना चाहिए। मैं पूरा काम धंधा घर घर परिवार देख रहा हूँ, पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ। क्या मालूम रे तेरा भैया का भी दिमाग कहाँ कहाँ जाता है कहाँ नहीं। ऐसे तो उस दिन पूरा दिमाग खराब हो गया, मेरी मुर्गी गिर गई अलग कुआ में ना, पूरा दिल टूट गया। अरे मेरा मैं क्या बताऊँ तेरा, बड़ा दुखता है दिल मेरा। कोई समझते नहीं था ना, तेरे भैया समझते ना कोई और समझते। उस दिन जरा सा अच्छा लगेगा प्रसाद को खा लूंगी करके बाबूजी को देओ, कहीं पाटने देते हाथ में तो अच्छा लगता, खा लेती तो पूरा प्रसाद थोड़ी खा लेती जरा। बटा बाबू ने एक इतनी सी भी प्रसाद नहीं दिया अपने को, है ना? बड़ा लंबा चौड़ा हाक रहे थे, मैं बाबा जी के दर्शन करने गया था, नरियल ला के दिए क्या अपन को जरा सा? वो 5 रुपए की चिरौंजी ना तो चढ़ाए भगवान को। कंजूस की भी हद होती है, पर तुम्हारा बाप ना कुछ ज्यादा ही कंजूसर है। कहाँ के कहाँ आ गई हूँ यहाँ, ऐसा लगता है शादी होके। हाँ कहाँ के कहाँ ये आ गई है तू? 500 रुपए दिए, भले ही मुर्गी 500 की बोली तो 500 रुपए दिए, 1000 देते तो मजा आता नहीं क्या? हाँ हमारे लिए भी कपड़े आ जाते क्यों भाभी? तुम्हारे लिए लूंगी फिर भी 1000 तो देते मेरे को। सुन तो बाबू को पटियाना का है, सुन तो बाबू को पुटियाना, अपन चलेंगे बागेश्वर धाम। अच्छा बागेश्वर धाम? हाँ बोल तो रही हूँ रे, उस दिन बोले थे तो जाएंगे जाएंगे करके, फिर भी क्या मालूम सुनते हैं। अरे तुम्हारे भी बच्चे हो जाए ऐसा दुआ मांगूंगा रे मैं बागेश्वर, अर्जी तो लगाऊंगा मैं, कहूंगा मेरे भैया भाभी को बच्चे क्यों नहीं हो रहे ये बता दो बाबा जी, कहूंगा। तू मेरे को ताने दे रहा है? ताने नहीं दे रहा भाभी, तेरे लिए मांग रहा हूँ मैं। तुमको शर्म नहीं आती? तुमको बच्चे जैसे पाल के रखे हो तो मेरे को ताने दे रहे, बच्चे नहीं होते करके? तो हमको भैया खिलाने की हमको कितनी शौक लगती है, खिलाना चाहते हैं हम हमारे भतीजे लोगों को। तुम ही खिलाना चाहते हो, मैं तो खिलाना नहीं चाहती, बाहर वाले कम से ताने देने वाले जो तुम मेरे को दे रहे हो। तुमने हमको खिला ली ना, हमने वैसे तो मेरे को भी शौक है लड़का बच्चा का रे, लेकिन क्या बताऊँ होते नहीं है ना, तुम लोगों को लड़का बच्चा माने हमने इसलिए नहीं होते है ना। लेकिन सही में दिल से चाहती हूँ एक और बच्चा हो जाए। एक काम करता हूँ मैं, बाबू को पुटियाता हूँ कैसे भी करकेगा। किसको पुटियाएगा, क्या पुटियाएगा, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता रहे तेरे भैया के मारे, कहीं कहीं चलते कमाते धमाते कुछ करते, कहती हूँ तो बिल्कुल नहीं सुनते ना, कहीं घुमाने ले जाते होगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। जी 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 सर। मैडम मैं ग्लोबल स्कूल से आया हूँ, छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ? अभी तक तो नहीं है, और हो जाएंगे भैया हो जाएंगे, काय के लिए पूछ रहे थे वैसे? ये एडमिशन के लिए आया ग्लोबल स्कूल से। हाँ तो मैं हूँ ना घर का सबसे छोटा, मेरा हो जाएगा क्या? नहीं नहीं ये दिखता बड़ा है लेकिन इसका दिमाग छोटा है, ये पढ़ सकता है क्यों? नहीं नहीं छोटे बच्चे चाहिए। नहीं नहीं हो सकता, तो जब भी होंगे ना हमारे बच्चे तो हम तुम्हारे स्कूल में पहुँचा देंगे। ठीक है धन्यवाद। ठीक है जी राम राम। जी जी ठीक है राम राम। जी अर्जी लगाऊंगा ही हाँ। दो चार अच्छा जम के अर्जी लगाना, 4-5 हो जाए इनका दिमाग का नाम आने का। हाँ फुर्सत ही हो जाओ ये काम से, बच्चे तो बच्चे के लिए पूछते हैं। हाँ भाभी कृपा रुकी हुई है, मेरे को भी ऐसे ही लगता है, दुनियादारी दूसरों की नजर लगी है रे अपन को, और कुछ नहीं है रे यहाँ रे। होगा अच्छा खासा परिवार था, सब उजड़ गया अपना, हंसता खेलता सोच तेरे भैया का दिमाग चिड़चिड़ हो गया है। मैं हूँ तो घर के काम में बिजी रहती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता इधर उधर जाने का, मैं भी खेती बाड़ी देखने लगा,
भारी देखता है रे, दिमाग खाया। सब अलग अलग हो गए कि नहीं बता, महक वो भग गई भोपाल पढ़ने के लिए, सब इधर उधर हो रहे। मेरे को लगता है ना कोई तो होगा जो नहीं चाहता अपनी खुशी, इसलिए कुछ तो करो रे। कितना उपास करूं और क्या करूं रे, चुधर मेरा दिमाग खराब हो तो हो, नहीं तो तेर को देखती हूँ ना तो मेरे को लड़के बच्चे का ख्याल ही नहीं आता। तुझ तो अरे मेरा छोटा बेटा रे, तेरे मुंह को देख ली ना मतलब मेरे को हंसी भी आती है तेरे को देख के, बेज्जा आती है। ओ बाले अगर कोई है घर भर में से तो वो तू चले। ऐसा बोलती है मेरे से तो नहीं है। बैठ गई ना बाबूजी, अब इसको पानी दे रही थी बांगा को तो बैठ गई यहीं पे। पानी लेके मिल सबके लिए धंधा करूँ क्या? मैं कहती हूँ तो ये भी पानी मंगाता है, तुम भी पानी मंगाते हो तो घर यही धंधा करते रहूँ बस दिन भर। oh, no. चलाने को बता दो कैसी ऐसी जबान चलती है। कहाँ गया था वो? वो आए क्या दोनों नारू का? नहीं आए। और सुन तो तेरे को वो बोला था ना का माजा ला दे, माजा माजा गर्मी लग रही वो ठंडा खाटिया फ्रिज ले लेते। एक बार बाटल मुंह में लगाते सायने पूरा उतर जाता पानी तो खत्म दिन भर के लिए। फिर बैठी वहीं अच्छा, अरे नीचे बैठी हूँ ना बाबूजी, ऊपर नहीं बैठी हूँ। आए नहीं क्या डॉक्टर? नहीं आएगा? आए नहीं मतलब तुमको पता है कि कहाँ गए? कहाँ भेजा तूने? का पेशेंट के लिए भेजाऊंगा लाख वाले के पास भी, वो गाँव के भी पैसे नहीं आए। साल लगे ना महीना कभी भी याद आता है तुमको पैसा लेने के लिए जब जरूरत पड़ती है, जब नहीं पहुंचाओगे अभी काहे की जरूरत पड़ रही पैसे की? ना, पर बागेश्वर धाम जाएंगे ना। सही में बाबू जी और क्या, वो मैंने बागात की गाड़ी की फिर तो मैं एक चम्मू पानी ला दूंगी अभी, बोले तुम जल्दी ला दूंगी। मेरे को बताता है अभी पैसे निकलवा के लाता हूँ, वो बोल बस मेरे को वो लाख वाले से गेहूँ वाले से टी शर्ट चढ़ा रहा है अभी। ओह नो, पैसे लेके आना है क्या बताना तू? बैल कहीं का कितना पैसे हैं अपने तो वहाँ दिखते भी है, तुम तैयारी करो अच्छे अच्छे कपड़े रखना पे। हाँ गो, मैं नए वाले झका जाके बता दे अच्छे से, फटी चिरे ऐसे नहीं रखेंगे। मेरे लिए एक साड़ी जाते जाते ले लेना तो मैं पहन लूंगी वहाँ। चलना है तो वैसे चलूं मैं हुकूमत ऐसा तो मत बोलो, मेरे को चलने के लिए चंदा करके चल जाएंगे कहते नहीं। लेकिन मैंने स्पेशल गाड़ी की है एसी वाली। हाँ ना, तुम्हारे बाल बच्चे थे बहु चूल्हा फूके, बेटा जाए खेत में, ये जाए बोदा चराने, ये जाए भैंसी चराने, बस यही करते रहे क्या? घुक घुक कर रहे दिमाग करो माना का नहीं रे। ले जा तो रहा हूँ ना, लाख के सबका पैसे पूरे खर्च कर जाएंगे अपन, सुने। हाँ चलो जाओ तैयार हो और तू जा मेरे लिए खिचड़ी बना, पेट तेरा गड़बड़ लग रहा है मेरा। सुन गो, जाते जाते मेरे लिए वहाँ से कपड़े ले जाना, जाते जाते कपड़े ले जाना कहीं से। तू अभी तो जा यार बाद में देख। मगर ये बालाजी के पड़ता कहाँ है गो? अरे वो उधर छतरपुर की छोटा छतरपुर, छोटा छतरपुर नहीं बे, जिला छतरपुर उधर पन्ना के आगे में। तू जा अभी, वो जब जाएंगे तब मैं दिखा दूंगा तेरे को। बाबू गले मिल गो, तूने खुश कर दिया गो। oh, no. और मगर गए किधर है गो? श्याम राव के यहाँ गए। हाँ।